respected principal sir, vice principal ma'am, teaching staff, other members of the administration, and dear students. On a formal note, it is a pleasure for me that I have been invited here to deliver a talk on the topic कहाँ गई मेरे आंगन की गौरैया. बच्चों, गौरैया की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है. आपसे अगले कुछ समय एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की इच्छा जाहिर की है ताकि हम जान सकें कि एक दोस्त जो 10,000 साल पुराना है वो चुपचाप हमसे विदा ले रहा है. बर्ड्स के साथ अगर हम अपने एसोसिएशन की बात करें अब अगले कुछ समय के लिए बच्चों मैं चाहूंगा आपका पूरा ध्यान ना स्लाइड्स की तरफ रहे. हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगा आप में से मोर देन 90% स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन है. मोर देन 90% मैंने एक झलक में देख लिया वो अपने आप ये साबित कर चुके हैं कि दे आर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि जनरली एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए किसी एक शख्स की ज़रूरत होती है जो एक डंडा लेके गए चुप हो जाओ. ह्यूमन्स के लिए यूजली नहीं होती. ह्यूमन्स सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं. तो आप में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे बच्चों का है जो बिल्कुल शांत गंभीर और धैर्य के साथ बैठा है. जो दो चार बच्चे चंचल हैं वो अपने आप ही आप जैसे हो जाएंगे अगले 5 मिनट के अंदर अंदर. तो खैर लगभग एक आधे पौन घंटे की हम यात्रा शुरू कर रहे हैं आपके साथ. पक्षियों के बच्चों अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत मैं करता हूँ प्रोफेसर दिनेश भट्ट जी से. ये मेरे PhD गाइड हैं. गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे सर. इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो हमारे यहाँ गुरु को सम्मान देने की उनका स्मरण करने की एक परंपरा है. कभी हम इन्हें पिंजरे में डालकर इनसे आनंद लेते हैं कभी हम इनके साथ खेलते हैं. आप खुद अपने आप को देखेंगे पता है इस लॉकडाउन में एक बहुत बड़ी गलती क्या हो गई. बाय द वे हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलना सीख गए. हम मोबाइल के साथ खेलना सीख गए. हम वीडियो गेम के साथ खेलना सीख गए. और जिनके साथ खेला जाना चाहिए था या हमारा जो जनरेशन जिनके साथ खेलती थी आपका उनसे थोड़ा नाता कमज़ोर पड़ गया. कोई पक्षियों से आध्यात्मिक कारण से जुड़ जाता है. हमारा धर्म कल्चर हमें पक्षियों से जुड़ना सिखाता है. कोई पक्षियों से जुड़ता है पुण्य कमाने के लिए तो कोई जुड़ता है